स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी देखो इंटरनेट पे पायरेटेड कॉपी है चीज तो मिलती रहती है। अभी मनीषा रानी की कॉपी मिली है। देखो किसी ने कमेंट में कहा है कि मैं सस्ती मनीषा रानी हूँ, कोई बात नहीं भाई। उसका टोन, उसका बोलने का तरीका सब कुछ मनीषा रानी जैसा है। पर ठीक है, मनीषा रानी अपने बोलने और टोन की वजह से ज्यादा फेमस नहीं है, वो टैलेंट की वजह से फेमस है। सही बात है। तो अगर टैलेंट नहीं है तो टोन और वो सब के कोई मतलब ही नहीं रह जाते। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के भी कॉपी है पर कोई मतलब ही नहीं है अगर जब तक आप उनके जैसे अच्छे एक्टर नहीं हो। जैसे सेल्लू भाई तो हाँ अच्छे एक्टर ही है, मतलब ठीक है। कुरकुरे बिस्किट खाऊंगी और महंगी मनीषा रानी मैं बन जाऊंगी। महंगी मनीषा रानी ये बन जाएगी तो फिर जो असली मनीषा रानी है वो कहाँ जाएगी? बतौले तो है इसमें, बतौले तो है भाई। हाँ भाई, अभी नई खबर आई थी, एल्विस भाई के आगे किसी ने बोल दिया था, एल्विस भाई ने देखा ही नहीं, एल्विस भाई ने जाके चढ़ दिया। मेरे आगे बोलेगा एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वैसे बेचारे ने पीछे से बोला था तमाचा क्यों मारा ये नहीं समझ आया। मतलब लोग बोल रहे थे कि सेल्फी मांग रहा था तो तमाचा दे दिया, पर नहीं यार, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सेलिब्रिटी सेल्फी मांगने पे तमाचा मारेगा। बात तो सही है। मतलब आप जिस चीज के लिए दिन रात काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जब वो चीज होगी तो गुस्सा थोड़ी आता है। कुछ और ही मसला है इसका, देखते हैं। अंकल बेचारे खा रहे थे, जो कुछ हो गया, कुछ हो गया, पुलिस वाले साथ लेके घूमता भाई अलविस। यार सबसे फनी चीज मुझे लगी वो, जैसे ही वो आया वो हाथ बढ़ा रहा, उसने उसका हाथ ही पकड़ा और दिया खींच के, पूरा हाथ चाप दिया होगा भाई बेचारे के। और वो जा रहा था फिर पीछे से उसने कुछ बोला, वो फिर जा रहा है मुड़ के वापस। और इन सब के बीच में एल्विस भाई के दो चार फैन इधर से, चलिए एल्विस भाई, एल्विस भाई, मुद्दा नहीं देख रहा है वो तो। अच्छा हुआ कि उन लोगों को समझ नहीं आया, वरना सब घेर देते बेचारे नीली टी शर्ट को, क्या पता बाद में पीटी भी हो नीली टी शर्ट। जो ये बालक वो कर रहा है ना गणे की, ये बना रखा हमारा यूथ आइकन, ये देखो पड़ गई होगी भाई। भाई तुम खाओ गाली, कोई बात ना तुम खा लो, हमारे से ना खाई जाती, और तुम्हारे में जोर है, तुम बक के देख लो मेरे मुंह के आगे खड़े होके। यार बिग बॉस के अंदर तो वैसे काफी कुछ हो रहा था, वहां तो वैसे किसी ने गाली वाली बकी नहीं थी। और एल्विस ने दो चार जगह बोला भी था कि अभिषेक से बोलता था कि बता जाके दे दू। अच्छी चीज नहीं है वायलेंस, पर अब माँ बहन की गाली कोई बकेगा तो उसमें फूल तो बरसाया नहीं जाएगा, या फिर इतनी रेंज में जहाँ तक मेरा कान जाए तो फिर दोबारा बता दूंगा मैं, कल बच गया। एक तमाचा मार के कह रहा बच गया। ये सुंदर सुंदर लड़कियां जाती यार बीच में, ये इंस्टाग्राम चलाते चलाते मेरे को तो अजीब लगने लग जाता है यार। हम मीम देखने आए यार, सुंदरता अपनी अपने पास रखो, हमें सुंदरता थोड़ी देखनी है। सारा समझ ही नहीं आता किस पे भरोसा करके क्या एक्सपेक्ट करो, क्या देखना चाहते, क्या मिल रहा है, क्या क्या चल रहा है ये। अरे आंटी कहाँ जा रही हो, हम तो वीडियो देखने आए थे। आंटी तो जा रही है यार छोड़ छाड़ के, तो आई आई वापिस आई वापिस आई। और भाई ये डांस कर रही, पीटी कर रही है। और ये देखो जो लोग बोलते हैं ना कि घर अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, ये देखो आंटी को कुछ अच्छे बच्चे की जरूरत नहीं। आंटी का घर वैसे अच्छा है ऐसी बात नहीं है, पर ऐसे पीछे जो सामान रखा है लोग हटा देते हैं कि सफाई दिखनी चाहिए, नहीं जो दिख रहा है सामने पीटी करो करता रहता हूं मैं। डांस तो बड़ा खतरनाक है भाई, करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बात है। आंटी को कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, हिलती रहती है बाजू में, अंकल भाड़ में जाए चलो अच्छा खाना तो नहीं बन पा, कम से कम खाने से तो फुर्सत मिली, हिलता रहे भाई। ये है डोमेस्टिक वायलेंस, मैं इसको डोमेस्टिक वायलेंस मानता हूँ, ये मेंटल ट्रोमा है। आंटी रात में सोती सोती हिलती होंगी ऐसे करके, जितने लोगों ने इसकी वीडियो देखी है भाई अंकल डराते हैं आंटी को, देखो कैसे डरा रहे हैं। आ तुझे रोज ही लावा, आ चश्मा पिनावा, आ आ आ मूव आ से आ तक। अंग्रेजी की परीक्षा देने आए छात्रों को इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं पता, बिहार बोर्ड एग्जाम को एग्जाम देने आए वही बड़ी बात है, समझे उज्जवला का नहीं। इसका स्पेलिंग क्या है? इजी, उसने पहले बोल दिया कि इजी है इंग्लिश की स्पेलिंग बहुत ज्यादा, अभी सुना देंगे इजी। पॉलिटिकल साइंस, POLIC POLICE, और बोल दे बहन पुलिस बना, पॉलिटिकल साइंस गया एक तरफ पुलिस। अरे देख कापरा, देख रहा आपको, देख कर दे हमको कापरा हमारा। यार कहीं ना कहीं ये बात भी होती है, एकदम से कैमरा सामने भाई लोग नाम नहीं बता पाते कैमरे पे, ये तो फिर भी इंग्लिश पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, है कि नहीं? आधे से ज्यादा तो पता ही कैमरा का भय है, ये कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग। आप पता है किसी के मुंह पे एकदम से कैमरा ले आके बोल दोगे ना कि नाम बता नाम बता, ऐसे हो जाते लोग, तो इतनी भी गलती नहीं बेचारोगी। इंटर की परीक्षा, सहेली को आंसर नहीं बताने पर बाथरूम में किया बंद, धोखेबाज सहेली। हम गुरुजी श्रीचंद मध्य विद्यालय से बोल रहे हैं,
हम एग्जाम दे रहे थे, हमारी दोस्त है, क्लासमेट है, हम लोग सारी फ्रेंड, वो क्या पता पूछे बताओ, हम नहीं बताए इसी कारण। इनको मीडिया वालों को पता कैसे लग जाता है कि इसका इंटरव्यू लेते हैं, बाथरूम में बंद हुई है शायद। एग्जाम के बाद हमें बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया गया यार। पर गलत बात है ना यार, अगर वो तुम्हारी दोस्त है तुम उसको दोस्त मानती हो तो बताओ यार उसको। मतलब भाई मैं तो पूछा पाछी ज्यादा करता नहीं था, मेरे को तो डर लगता था, पर बताओ यार। और हमारा एडमिट कार्ड छीन लिया एग्जाम के बाद बंद। हाँ। चलो मेरे को लगा एग्जाम ही नहीं देते, हाली मेरे को नहीं बताया कि बेड बाथरूम में पूरे एग्जाम खत्म होने तक गए। बस उसका मकसद था शायद एडमिट कार्ड उछीले, मैं नहीं बताया इसी कारण। बेचारी कितनी रो रही है, लड़के तो मजाक मजाक में बाथरूम में दिन दिन भर के लिए भी बंद कर दे एक दूसरे को, वो उसमें भी बाहर आ कैसे गए, साले बाथरूम में बंद करता तू है। नहीं यार, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए यार, गलत बात है। तो ऑन पब्लिक डिमांड आज हम इसके बालों पे यूज करने वाले उजाला बॉल पेन का जो इंक है वो अराउंड ये इसके बालों के साथ ये सब कर क्यों रहा है, पर बाद वो कम्प्लीटली फेड हो गया। ये हमारा अंडरकोट है और अभी हम इसको यूज करने वाले। मुंह दो ना उसके बालों पे, एक काम करो मुंह दो उसके बालों पे, फिर देखते पीले कलर के होते, पीले तो ऑलरेडी है उसके बाल, ये शायद मुंह तो ही गया है। फिर ये क्यों कर रहे हो उसके बालों के साथ ऐसा उजाला कपड़ों, यार इन लोगों को क्या चक्कर है भाई, ये क्या क्यों ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अप्लाई करने से पहले थोड़ा डीप क्लेंजिंग शैम्पू। वो लड़के को प्यार ही नहीं है जिंदगी से, बालों से, किसी भी चीज से प्यार नहीं है। रिजल्ट रिंस के बाद लेट्स राइट। तो अभी हमें ये रिजल्ट मिला है, रिजल्ट फेल है, मैं बताऊं फेल हो गया उजाला के बाद। सो हेयर हैव बीन यूटिलाइज्ड, फ्रंट के जो बाल है वो थोड़े सेंसिटाइज थे इसलिए वो ज्यादा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे थे, एप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं था। सो दिस इज द सास्के बना दिया इसको नारुतो, जितने लोगों ने सास्के जैसी हेयर स्टाइल है इसकी। तो भाई ये लड़का खुश क्या है जिंदगी में, भाई तेरे बालों के साथ क्या हो रहा है, जाग क्यों नहीं जाता अपनी जिंदगी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बालों के अंदर क्या डिपॉजिट करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे से मत पूछो क्या डिपॉजिट करें, कुत्ते हग रहे हैं रोड पे, लीपापोती कर देना उसकी उसके सर पे। अरे बाप रे, उलझा दिया उस बेचारे को, वो सोच रहा पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ भाई, अभी तो यहीं से निकला ना, ये रास्ते खत्म क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई, क्या चल रहा जिंदगी में। हमने कि तेरा काफिला हमसे बहुत बड़ा, अरे काफिला कितना भी बड़ा, तेरे गले में क्या बसा है, गले से तो निकाल ले। तू हमारे लिए कल भी साड़ा था और आज भी साड़ा है, और तुम दोनों से बड़ा तो कुत्ता मेरी कॉलोनी में पला है, और उसकी तो आवाज भी अच्छी है, शहर में नहीं मेरी कॉलोनी में। सज गई, तैयार हो गई अब तो निब्बी। धोखेबाजी चल रही दोस्तों दुनिया में, पर मुझे पता है आप लोग मुझे धोखा नहीं दोगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं और मजेदार सी वीडियो में अगली बार। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। जिंगल लाला, अरे उठ क्यों नहीं पा रहा हूं मैं।